हेलो दोस्तों, यदि आप भी अपने मनपसंद की फ़ोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से ही बनाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने मनपसंद के फ़ोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड फ्री में कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लाइक नहीं किए तो पैसा लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कुछ जाएगा नहीं लेकिन आपको सही वीडियो सबसे पहले ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। अब आपको यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और इसमें सर्च करेंगे NSDL। तो यहाँ पर बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन पेन अप्लाई और यहाँ पर NSDL। तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ से ऊपर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन टाइप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर यहाँ पर 49A लिखा है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जिसका भी पेन कार्ड यहाँ से ऑनलाइन करने वाले हैं उसका यहाँ पर डिटेल भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर यदि वो जेंट्स हैं तो आपको सिर्फ पर क्लिक कर देना है, लेडीज है तो आपको SMT लिखा है तो उस पर क्लिक कर देना है, और कोई लड़की है तो आपको यहाँ से कुमारी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई करने वाला हूँ वो जेंट्स है, तो मैं यहाँ से सिर्फ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाइएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है लास्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ईमेल ID, और यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई करने वाले हैं उनके आधार पर जैसे आपको वैसे ही डिटेल यहाँ पर भरना है। जैसे कि उनके आधार कार्ड पर अगर लास्ट नेम कुमार है तो आपको यहाँ पर कुमार भर देना है, और फर्स्ट नेम में जो भी है तो वो यहाँ पर भर देना है, और मिडिल नेम में जो भी है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वैसे ही आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, और आप जो भी ईमेल ID देना चाहते हैं वो ईमेल ID यहाँ पर दे दीजिएगा, और जो मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दीजिएगा। चलिए हम भी सब कुछ यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सब कुछ इंटर कर दिया है। अब यहाँ से इस खंड पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद से नीचे आएंगे और यहाँ पर जैसा कैप्चा लिखा है वैसा ही कैप्चा यहाँ पर इंटर कर देंगे, और उसके बाद से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाकर और यहाँ से कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ से सेकंड वाले खंड पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक यस और नो पूछ रहा है। यहाँ पर यस का मतलब है कि आपके घर फिजिकल पेन कार्ड मिलेगा और आपको यहाँ पर चार्ज भी देना होगा। यदि आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल पेन कार्ड नहीं मिलेगा, यानी कि सिर्फ आपका फोटो मिलेगा पेन कार्ड का, और यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं लेगा। तो आप यहाँ से जो भी चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर लीजिएगा। मैं जिसका पेन कार्ड अप्लाई करने वाला हूँ उसको फिजिकल पेन कार्ड चाहिए, तो यहाँ से मैं यस पर रहने दूंगा, और उसके बाद से नीचे यहाँ पर आऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार कार्ड के अंतिम का 4 अंक पूछ रहा है। तो जिसका भी आप पेन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनके आधार कार्ड के अंतिम का 4 अंक यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, और उसके बाद उनके आधार कार्ड पर जो भी नाम है जैसे है वैसे ही यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर उनका कुछ डिटेल पहले से ही आ गया होगा, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ यहाँ पर पहले आपने डाले हैं तो वही यहाँ पर आ गया है। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है कि फीमेल है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर नो है तो नो पर रहने देना है, और उसके बाद से फिर से नीचे यहाँ पर आना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फादर का नाम पूछ रहा है और यहाँ पर मदर का नाम पूछ रहा है। मदर का नाम यहाँ पर ऑप्शनल दिया है, यानी कि आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। तो जिसका भी आप पेन कार्ड अप्लाई करने वाले हैं उनका फादर का नेम उनके आधार कार्ड पर जैसे होगा आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे लिखा है आपको ध्यान से वैसे ही डाल देना है। और यदि उनके पेन कार्ड पर मदर का नाम चाहिए तो आपको यहाँ पर मदर का नाम डालिएगा, और यहाँ पर नीचे आकर मदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो फादर का नाम यदि पेन कार्ड पर चाहिए तो फादर के नेम पर यहाँ पर रहने दीजिएगा, उसके बाद से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है, यानी कि आप जिसका भी पेन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका इनकम का सोर्स क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि उनका इनकम का सोर्स क्या है, और यदि उनका कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होगा यानी कि वो स्टूडेंट है तो आप यहाँ से नो इनकम पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एड्रेस देना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर नीचे आइएगा तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है। तो उनके आधार कार्ड पर जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। आप यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर वार्ड नंबर लिख दिया है, और यहाँ पर विलेज का नाम लिख दिया है, और यहाँ पर पोस्ट भी लिख दिया है, और यहाँ पर एरिया भी लिख दिया है। आप यहाँ पर उनके थाना का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर उनके हम जिला का नाम लिख दिया है, और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं, और बिहार से है तो बिहार सेलेक्ट कर लिए हैं, और उनके आधार कार्ड पर जो पिन कोड है हमने वहाँ पर पिन कोड भी इंटर कर दिया है।
अब यहाँ से हम नीचे आएंगे और यहाँ से ऑफिस एड्रेस में आपको कुछ भी नहीं भरना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ से आपको कंट्री कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इंडिया सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि इंडिया का कंट्री कोड 91 होता है, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ पहले से आ गया होगा। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एरिया कोड, यहाँ पर एओ टाइप, यहाँ पर रेंज कोड, यहाँ पर एओ नंबर, सब कुछ यहाँ पर पहले से ऑटोमेटिक आ गया होगा। ये नहीं आया होगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेना है और यहाँ से अपना सिटी चूज कर लेना है और यहाँ से फेस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। आपको इस खंड पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी डिटेल होगा वो आ जाएगा, आपको यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है और यहाँ पर सभी में सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके और सब में आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आधार तो सबके पास होता ही है, तो आपको आधार ही से काम चल जाएगा, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। सभी में आपको यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नीचे आप जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम पहले से लिखा होगा और यहाँ पर आपको क्लिक करके हिमसेल वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर प्लेस में उनके गांव का नाम यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा और नीचे आइएगा। तब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांग रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर फोटो 50 KB का होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर भी 50 KB में होना चाहिए और यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, यानी कि जो भी आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं वो 300 KB में और PDF में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पहले से ही उनका यहाँ पर फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर उनके आधार कार्ड का जो भी PDF होगा उसका साइज यहाँ पर बना लेना है, जैसे कि फोटो 50 KB का, सिग्नेचर 50 KB का और यहाँ पर PDF का साइज 300 KB का। अब हम यहाँ से फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मीडिया पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हम इसमें फोटो देना चाहते हैं और उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लोडिंग लेगा और फिर से आप यहाँ पर नीचे आकर देखिएगा तो यहाँ पर फोटो आ गया होगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर के बगल में प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से सिग्नेचर अपना सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ से अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और फिर से यहाँ पर नीचे आकर आप देखिएगा यहाँ पर सिग्नेचर भी आ गया होगा। अब यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो हम यहाँ से आधार कार्ड अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, ये जब भी आप आधार कार्ड का यहाँ पर PDF बनाकर अपलोड कीजिएगा तो उसमें आपके आधार कार्ड का फ्रंट का और बैक का दोनों का फोटो होना चाहिए। सबसे आसान रहता है कि आप ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और उसको अनलॉक कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उस पर लॉक लगा रहता है, तो आप उसे अनलॉक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आप आकर अपलोड कर दीजिएगा। हमने पहले से ही आधार कार्ड डाउनलोड करके और उसके PDF को अनलॉक कर लिया है, तो अब चलिए हम यहाँ से प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से फिर से लोडिंग लेगा और हम नीचे आकर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड हो गया होगा। अब यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो उसके बाद कुछ इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अब आपको उनके आधार के शुरू के 8 अंक यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर नीचे जाइएगा तो उनका सारा डिटेल यहाँ पर पहले से फिल होगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर कोई गलती से भर दिया है तभी आपको उसे चेंज करना है, नहीं तो आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है और नीचे आकर यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से इसका फीस पेमेंट करना है, यानी कि आपको यहाँ से पेमेंट करना है तो आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तब आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपसे 106.90 रुपया यहाँ पर लिया जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है, आपको इस खंड पर क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से पे एंड कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर यदि आपके मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन होगा तो ऑटोमेटिक आपका पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपके मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन नहीं होगा तो यहाँ पर आप अपने फोन पे, गूगल पे, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद से आपको कोई रिफ्रेश नहीं करना है, आपके सामने जब ऐसा पेज आएगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर सक्सेस लिखा होगा, यानी कि आपका पेमेंट 100% सक्सेस यहाँ पर हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर नीचे आना है, इस खंड पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको OTP ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर OTP पूछ रहा है, तो आप जिसका भी पिन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और जिसका भी आपने आधार कार्ड दिया है
उनके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी गया होगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने कुछ पेज ओपन हो जाएगा, तो अब आपको यहाँ से कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करना है। तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस खंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको उन्हीं आदमी का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद से सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो फिर से उनके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तब ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने एक पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा। इस पीडीएफ का पासवर्ड उनके डेट ऑफ बर्थ होता है, तो आप यहां से उनका डेट ऑफ बर्थ डालकर यहां से ओपन करके देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या डिटेल भरा है, सब कुछ सही होगा। और इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां से इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यदि आप भी सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं तो 48 से 72 घंटा के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर ई पैन कार्ड मिल जाएगा, यानी कि आपके पैन कार्ड का फोटो मिल जाएगा। और 12 से 15 दिन के अंदर आपके घर डाक द्वारा आपका फिजिकल पैन कार्ड भी आ जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।